हेलो नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भारतीय नॉलेज में। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे सपने में ऊँट देखना कैसा होता है। सपने में अगर आप ऊँट की सवारी करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। इसके अलावा आप ऊँट को जो है बैठी हुई अवस्था में देखते हैं तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप जो है सपने में ऊँटों का झुंड देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। सारी जानकारी विस्तार से इस छोटे से वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, लेकिन आपसे अनुरोध है वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी आपके पास जल्द से जल्द पहुंचती रहे। अब चलिए बात कर लेते हैं स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में ऊँट देखना कैसा होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके सपने में ऊँट आता है तो मंगलकारी सपना होता है। इसका मतलब होता है कि आने वाले दिनों में आप लंबी यात्राएं कर सकती हैं और ये यात्राएं आपके संघर्ष को दर्शाती हैं। इसका मतलब होता है कि आने वाले दिनों में आपको अपनी सफलता के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर आप मेहनत करने से अपने आप को जो है आराम दिया या आप अपने सोचा कि आज नहीं तो कल कर लेते हैं, तो ऐसे ही अगर आपने किया तो आने वाले समय में आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसा ही सपने का मतलब होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि सपने में अगर आप ऊँट की सवारी करते हैं ऐसा कुछ सपना आता है तो ये मंगलकारी सपना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आने वाले दिनों में आपको समाज में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि मिल सकती है, मान सम्मान बढ़ सकता है आपका। अगर स्त्रियां ऐसा सपना देखती हैं तो इसका मतलब होता है कि आने वाले दिनों में उनको जो है अपने पति या अपने पिता से काफ़ी ज़्यादा सम्मान की प्राप्ति होगी। वहीं बात कर लेते हैं, अगर आपके सपने में ऊँटों का झुंड आता है तो ये मंगलकारी सपना होता है। इसका मतलब होता है कि आने वाले दिनों में आपके नए नए दोस्त बनेंगे जो आपकी हर परिस्थिति में खड़े रह सकते हैं, ये आपके सच्चे वाले दोस्त हो सकते हैं। इसके अलावा आपको बड़ी प्रसिद्धि भी मिल सकती है अगर आप सपने में ऊँटों का झुंड देखते हैं।